एमपी की मोहन सरकार जल्द ही संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जल्द ही बचे हुए विभागों में राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों को लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इसीलिए प्रदेश के करीब 1.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी अब राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि अभी कुछ कर्मचारी इससे बाहर हैं और कुछ की भविष्य नीति कटौती होती है। व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों में अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी की है। कर्मचारी पदस्थ हैं जिनके लिए एक नीति बनाई गई थी जिसके तहत एनपीएस का लाभ दिया जाना चाहिए था, किंतु आज तक हम लोगों को एनपीएस का लाभ नहीं दिया गया है। उसमें लिखा गया था कि एनपीएस के लिए अलग से जारी आदेश जारी किए जाएंगे, किंतु एक साल के लगभग हो गया है, आज तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि एनपीएस का लाभ जल्दी से जल्दी हम संविदा कर्मचारियों को प्रदान करने का कष्ट करें। वित्त विभाग महिला मोर्चा संघ के अध्यक्ष समीक्षा जी। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एनपीएस योजना के अंतर्गत सभी संविदा कर्मचारियों को शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है। 22 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत कर्मचारियों की भविष्य निधि कटौती के लिए एनपीएस लागू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं ना कर्मचारी को जहाँ ना एनपीएस मिलता है ना ईपीएफ मिलता है, जिसके कारण कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग से आदेश जारी होने वाला, जिसके तहत पूरे प्रदेश के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिया जाएगा। हम मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन जल्दी से जल्दी एनपीएस की योजना सभी संविदा कर्मचारियों को लागू करे। अनूप चांडिल, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी अध्यक्ष महासंघ। प्रदेश के सभी कर्मचारियों का एनपीएस काटा जाना चाहिए। कई विभागों में देखा गया है कि एनपीएस नहीं काटा जा रहा है, कृपया इस पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। वहीं इस पूरे मामले के बाद भाजपा कांग्रेस भी आमने सामने आ गई है, जिसकी वजह से सियासत तेज हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार मध्य प्रदेश की संवेदनशील है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर्मचारियों के हित में या मध्य प्रदेश के सारे लोगों के हित में हमेशा नित नए आयाम करते निर्णय लेते रहते हैं। निश्चित तौर पर संविदा कर्मियों के हित में मध्य प्रदेश सरकार जो एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रही है, उससे उनके भविष्य को सुकर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और बेहतर इसे क्या काम कर सकती है, उस पर हम लोग कार्यरत है। देखिए, एनपीएस भी जब लाया गया था तो एनपीएस के पीछे भी एक बहुत अच्छी सोच थी कि इसमें उन सभी लोगों को सम्मिलित करना है जो छूट जाते हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय है। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों को भी इससे लाभ होगा और हम लोग सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि सरकार इस प्रकार से जनहितैषी और कर्मियों जो हमारे संविदा कर्मी उनके हितैषी निर्णय ले रहे हैं, तो इससे उनको लाभ ही होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों की सरकार के जो निर्देश हैं कर्मचारियों के प्रति, वो हमेशा घातक रहे। 5वें वेतन आयोग की बात करी, 6वें वेतन आयोग की बात करी, 7वें वेतन आयोग की बात करी और सरकार ने काम जस से तस दे रहा है। सरकार ने झूठ बोलने का काम किया। मैं कह रहा हूँ संविदा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 का जो प्रकरण है उसको आप उठाइए। शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा था कि नियमित वेतनमान पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। आज भी कई कर्मचारी उस पर घूम रहे हैं। कई कर्मचारियों का TA DA और वेतन भत्ता मान जो एक एक चतुर्श्रेणी के कर्मचारी का करीब 40 से 50 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष रुका हुआ है। मैं समझता हूँ चाहे मकान तोड़ने की बात हो स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो वज्रपात कर्मचारियों के साथ किया। कर्मचारियों को नौकरियों से रिटायरमेंट के बाद पद न भरने का काम किया और आज अनुकंपा नियुक्ति जिस परिवार की सोची है, उस परिवार का जब पिता या माता खत्म हो जाती है, उसका बेटा अनुकंपा नियुक्ति के लिए करता है, तो आज मध्य प्रदेश में 10,000 पद रिकॉर्ड के साथ जो है वो अनुकंपा नियुक्ति के फाइलों में बंद है, पेंडिंग है। किस कर्मचारी के हित की बात करती है? हमेशा कर्मचारियों के हित की अगर किसी ने बात करी है तो कांग्रेस पार्टी ने करी है, चाहे उनको अधिकार देने की बात हो चाहे अधिकारों को सक्षम बनाने की बात। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका आश्वासन भी दिया था। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के कारण इसके आदेश जारी नहीं हो पाए थे।
वित्त विभाग ने अब इसकी तैयारी कर ली है और सभी संविदा कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।